हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। सो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ओवर हो चुका है, तो उसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें मुझे कुछ कैंडिडेट की तरफ से रिव्यू मिले थे, तो वो डिस्कशन करूँगा उस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा सेल्फ एनालिसिस भी आने वाला है जो कि थर्ड शिफ्ट में, तो उसको मैं आपको इवनिंग में अपने साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ वीडियो के साथ में। तो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बता दूँ रीजनिंग का, तो रीजनिंग में फोर टू फाइव एबिलिटी आई थी, 4 to 5 सिलोक्स आए थे और 4 to 5 जो थे कोडिंग रिकॉर्डिंग थे। और इनका जो लेवल था वो इजी था, जो सिलोक्स में थे ओनली और फ्यू वाले जो आते हैं बेसिकली उस तरीके के थे। और जो एलिबिलिटी थी वो भी बेसिक थी, वो ज़्यादा टफ नहीं थी। कोडिंग रिकॉर्डिंग भी जो नॉर्मल चाइनीज कोडिंग आती है वही थी, वो ज़्यादा टफ नहीं था लेवल। और इसमें जो पजल की बात करूँ तो एक सर्कुलर बेस पजल थी, एक मंथ बेस पजल थी, जिसमें 11 और 16 दो डेट दी हुई थी, बाकी जो मंथ दे दिए थे 8% थे। मंडे टू संडे 7% वाली पजल थी। उसके बाद एक फूड अरेंज करना था आपको, जिसको बोल सकते हैं आप शेड्यूलिंग वाली पजल। और एक ऑर्डर था, बाकी मशीन था ऑर्डर रैंकिंग जो वेट के हिसाब से आपको करना था, एक वर्ड था। तो इस तरफ से ये पूरा रीजनिंग का रिव्यू था। तो इसमें इजीली ड्यूएबल थे 32 से लेकर 35। मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स का जो रिव्यू है वो इसमें जो 7, 6 to 7 जो थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, जहाँ तक पता है मुझे कि वो 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। उसके बाद जो मिसिंग थे 5 क्वेश्चन मिसिंग के थे और 10 डी आए थे, जिसमें से टेबुलर था और एक बार ग्राफ था। दोनों का जो लेवल था वो इजीली ड्यूएबल था, मतलब मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। उसके बाद जो 5 केसलेट थी, जो केसलेट थी वो मतलब अगर आपका जो मैथ्स वीक है तो केसलेट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी ठीक ठाक थी। उसके बाद 13 आर्थमेटिक थे, आर्थमेटिक भी मॉडरेट लेवल के थे। तो मैथ्स में जो गुड अटैम्प्ट है वो अप्रॉक्स रहने वाला है, वो 20 से 21 के अप्रॉक्स, मतलब 80 to 21। अगर आपने टोटल 56 प्लस भी अटैम्प करें या 56 के अप्रॉक्स भी करें, मतलब जितने भी आपने 55 या 56 करें, तो वो गुड अटैम्प्ट रहने वाले हैं। अभी कट ऑफ के ऊपर अभी तो अभी सारे शिफ्ट के पेपर होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कट ऑफ क्या रह सकता है। अभी तो ये पेपर का लेवल तो ईजी था, तो अभी सारी शिफ्ट होने हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद एक कट ऑफ का अलग से वीडियो में डिस्कशन करके आपके साथ में शेयर कर दूँगा। तो ये था एक वीडियो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फॉर मोर अपडेट प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।